अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आपकी वीडियोस पे भी 10, 15, 20 व्यूज आते हैं, आप वीडियोस की SEO भी करते हैं, आप वीडियोस की जो बेसिक सेटिंग्स हैं वो भी करते हैं, आप वीडियो को सही तरीके से अपलोड भी करते हैं, आपका थंबनेल भी अच्छा होता है, सारी चीज़ें सही होती हैं, उसके बावजूद आपका चैनल वायरल नहीं होता, आपकी वीडियोज़ पर 2, 3, 4, 10, 15, 20 व्यूज़ आते हैं, इससे ज़्यादा आपकी वीडियोज़ पर व्यूज़ नहीं आते, तो मसला क्या है दोस्तों, कहाँ पे प्रॉब्लम है? एक्चुअली मसला ये होता है दोस्तों कि आपके जो चैनल की सेटिंग्स हैं वो प्रॉपर नहीं होती, आपने अपने चैनल की जो सेटिंग्स हैं वो सही तरीके से नहीं की होती, इस वजह से आपका चैनल ना तो सर्च में आता है, ना आपकी वीडियोस वायरल होती हैं और ना ही आपका चैनल वायरल होता है। तो दोस्तों टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके साथ भी ये मसला दरपेश है कि आपकी वीडियोज़ जो है वो वायरल नहीं हो रही या आपका चैनल सर्च में नहीं आता, वायरल नहीं होता, आप वीडियो सही तरीके से अपलोड करते हैं फिर भी आपको ये मसला दरपेश है, तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको इंशाल्लाह मैं आपके चैनल की जो तमाम सेटिंग्स होती हैं वो करना सिखाऊंगा और बिल्कुल एक्यूरेट और अथेंटिक आपको मैं सेटिंग्स करके दिखाऊंगा जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स अपने चैनल्स की सेटिंग करते हैं। तो दोस्तों सारी सेटिंग्स आज की वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर जाके आपको एक एक पॉइंट समझाऊँगा, तो अभी हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। उससे पहले दोस्तों आपसे छोटी सी गुजारिश है कि जनाब अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हम डेली मिलते रहें और YouTube के हवाले से ऐसा ही रियल और जेन्युइन कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर करते रहें। तो जनाब चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और मैंने यूट्यूब को ओपन कर लिया है। अब आपने क्या करना है, सबसे राइट साइड पे टॉप पे आपको यहाँ पे एक सर्कल नजर आ रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने अपने चैनल में आ जाना है, योर चैनल में आपने आ जाना है। तो इस तरह से देखें आपका चैनल आपके सामने आ रहा होगा। दोस्तों सबसे पहले तो मैं चैनल की कुछ बेसिक सेटिंग्स करना आपको दिखाऊंगा कि वो आपने कैसे करनी है। अगर आपने ये सेटिंग्स कर ली हुई है तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपको कुछ हिडन सेटिंग्स है उन पर आपने मेन फोकस करना है। तो पहले जल्दी से जरा कुछ जो मेन सेटिंग्स होती है चैनल की बेसिक सी सेटिंग्स है वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने देखें यहाँ पे कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करना है। कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक लेआउट आएगा, वहां से आपने अपने चैनल की जो पिक्चर है लोगो उसको चेंज करना है और आपने अपने चैनल की कवर पिक्चर को चेंज करना है। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे सामने कस्टमाइजेशन का पेज आ चुका है। अब आपने यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन में आना है, ब्रांडिंग वाले ऑप्शन में। तो देखिये यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन मिल रहा है कि आप अपने चैनल की पिक्चर अपलोड करें। दोस्तों ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपके चैनल की जो लोगो यानी कि पिक्चर है और उसके बाद आपका बैनर, इसको भी अच्छा सा डिजाइन करके आपने अपलोड करना है, क्योंकि सबसे पहला जो फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है कोई भी व्यूअर जब आपके चैनल को पे विजिट करता है, आपके चैनल पे आता है, तो उसको सबसे पहले आपकी प्रोफाइल पिक्चर और आपका कवर जो पिक्चर है वो नजर आता है। ठीक है, तो आपने इन दोनों को अच्छा सा क्रिएट करना है, आपने वहां पर लिखना है, मेंशन करना है कि हम ये चैनल किस मुतालिक या किस चीज के मुतालिक वीडियोज बनाते हैं, ताकि जो व्यूअर है उसको समझ आ जाए कि इस चैनल पर मुझे क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे पिक्चर को अपलोड करना है। तो मैं यहाँ से अपनी पिक्चर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों आपने अच्छी सी पिक्चर डिजाइन करनी है। यहाँ पे देखिए मैंने पिक्चर को एक कलरफुल सा बॉर्डर लगाया हुआ है, तो यहाँ पे इसको डन कर देना है। अब हमारे चैनल की जो पिक्चर है वो सिलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद नीचे सेकेंड ऑप्शन पे आना आपने, अपलोड वाले ऑप्शन पे, यहाँ से आपने अपने चैनल का जो बैनर है उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखें मैंने चैनल का बैनर भी ऑलरेडी बना लिया हुआ है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए इसको आपने सेट करके इसको डन पे क्लिक करना है। तो ये दोनों बेसिक सेटिंग्स मैंने करनी है। देखें चैनल का जो लोगो पिक्चर है वो भी लगा ली है, उसके बाद इसका कवर जो फोटो है वो भी लगा ली है। उसके बाद आप राइट साइड पे टॉप पे आएंगे तो यहां पे आपने इसको पब्लिश कर देना है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं चैनल की जो हिडन सेटिंग्स है, सबसे मेन सेटिंग्स जो है उनकी तरफ मैं जाने लगा हूं। दोस्तों आप एक एक चीज को गौर से समझ लीजिएगा, इसको मैं थोड़ी देर तक आपको रिफ्रेश करके दिखा दूंगा क्योंकि ये अपडेट होते थोड़ा सा टाइम लेगी, पिक्चर भी और कवर फोटो भी। तो दोबारा से आप राइट साइड पे टॉप पे आएंगे, यहां से बल्कि आप इस तरफ राइट लेफ्ट साइड पे देखें तो आपको डैशबोर्ड का साइन नजर आ रहा होगा। अब डैशबोर्ड के साइन पे क्लिक करें, अब आप अपने चैनल के डैशबोर्ड में आ जाए। ठीक है जी, अब नीचे आएंगे थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे ही तो आपको सेटिंग्स वाला एक ऑप्शन नजर आएगा। दोस्तों यहां पे अब आपने क्लिक करना है, अब आपका मेन जो काम है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों जो अब हिडन सेटिंग्स है वो हम करने लगे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए जनरल वाली सेटिंग्स हैं तो आपने उसको एज इट इज रहने देना है, यूएस डॉलर ये वैसा का वैसा रहेगा। उसके बाद आपने आ जाना नीचे सेकंड ऑप्शन में चैनल पे। ठीक है जी,
अब दोस्तों यहां पे आपने क्या करना है, पहले नंबर पे तो अगर आपने कंट्री सिलेक्ट नहीं की हुई तो आपने अपनी कंट्री पाकिस्तान सिलेक्ट करनी है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। बाद लोग क्या करते हैं कि वो अपनी कंट्री को सही सिलेक्ट नहीं करते या उन्होंने सिलेक्ट ही नहीं की होती, तो YouTube को कैसे पता चलेगा कि आप किस कंट्री से हैं और मेनली आपकी लैंग्वेज क्या है और किस तरह की ऑडियंस को आपकी वीडियोस उसमें दिखानी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने कंट्री सिलेक्ट करनी है। अब उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे कीवर्ड्स का एक आपको ये बॉक्स नजर आ रहा होगा, ये सबसे मेन सेटिंग है दोस्तों। मैं कह रहा हूं कि इस चैनल की सब आपके चैनल की जो सेटिंग्स है उसमें सबसे मेन सेटिंग यही होती है कि आपने यहां पे कीवर्ड्स लगाने। अब दोस्तों कीवर्ड्स क्या होते हैं, मतलब मेरा चैनल है जवाद सफदर के नाम से। अब कोई बंदा यूट्यूब पे जाके जब लिखेगा जवाद सफदर तो उसको मेरा चैनल नजर आएगा या मेरा चैनल सर्च में आएगा या नहीं आएगा, वो कीवर्ड्स होते हैं कि वो कीवर्ड क्या लिखेगा, क्या एंटर करेगा यूट्यूब के ऊपर। तो अभी मैं आपको यहां पे बताता हूं आपने किस तरह के कीवर्ड्स लगाने हैं। तो दोस्तों देखिए मैंने नोटपैड में कुछ कीवर्ड्स लिख के रखे हैं, मतलब कि कोई भी व्यूअर अगर आए यूट्यूब पे तो वो किस तरह से मेरा चैनल सर्च कर सकता है। पहले नंबर पे तो वो लिख सकता है जवाद सफदर, दूसरे नंबर पे वो सिर्फ जवाद लिख सकता है, तीसरे नंबर पे वो सफदर लिख सकता है, चौथे नंबर पे देखें जवाद सफदर यूट्यूब टिप्स, यानी कि मेरा चैनल है यूट्यूब की टिप्स और ट्रिक्स के हवाले से, तो वो ये भी लिख सकता है, इस तरह से मेरे चैनल को भी सर्च कर सकता है। उसके बाद देखिए जवाद सफदर यूट्यूब ट्रिक्स, इस तरह से भी मेरे चैनल को सर्च किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको आपके चैनल के अकॉर्डिंग, आपके नेम के अकॉर्डिंग, जिस तरह के आपको कीवर्ड्स लगता है कि इस तरह से सर्च हो सकते हैं, आपने वो कीवर्ड्स दर्ज करने हैं। अब उसके बाद देखिए नीचे मैंने क्या लिखा हुआ दोस्तों, ये देखें आपका चैनल जिस कैटेगरी के मुतालिक है वो आपने देखना है। यूट्यूब पे बड़े बड़े जो चैनल्स हैं उनके नाम आपने, उन चैनल्स के नाम भी अपने कीवर्ड्स में दर्ज करने हैं। दोस्तों ये बहुत मेन सेटिंग है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए काशिफ मजीद है, उसके तकरीबन 1.5-2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, वो यूट्यूब की टिप्स और ट्रिक्स के हवाले से वीडियोज बनाता है। उसके बाद शफीक जाफरी है, उसके बाद मिस्टर हाउ है, ऑनलाइन अर्निंग वगैरह के मुतालिक ये वीडियोज बनाते हैं। अब इनके मैंने नेम क्यों डाले अपने कीवर्ड्स ने दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जब कोई बंदा वो बड़े चैनल्स को सर्च करेगा तो ये कीवर्ड ही लिखेगा ना, काशिफ मजीद। तो अगर मेरे चैनल के कीवर्ड में भी ये उसके कीवर्ड दर्ज होंगे तो कहीं ना कहीं उसके नीचे मेरा चैनल भी सर्च में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ आ गई होगी आई होप सो। आपने ये सारे के सारे यहां से कॉपी करने हैं, यहां से ये कीवर्ड सारे आपने यहां से कॉपी कर लेने हैं और दोस्तों इनके आखिर में आपने कॉमर्स लाजमी लगाने हैं। ठीक है, दोबारा से आपने YouTube में आना है और कीवर्ड्स वाले ऑप्शन में आके आपने यहां पे इनको पेस्ट कर देना। तो देखिए ये सारे कीवर्ड्स मेरे यहां पे पेस्ट हो चुके हैं। अब उसके बाद सेकंड नंबर है एडवांस सेटिंग्स। एडवांस सेटिंग्स में दोस्तों बस एक सेटिंग आपने करनी होती है, वो होता है कि नो सेट दिस चैनल एज नॉट मेड फॉर किड्स, यानी कि आप बच्चों के हवाले से आपका कॉन्टेंट नहीं है। ठीक है जी, तो ये दो मेन सेटिंग्स हैं, इनको आपने लाजमी तौर पर करना है। अब दोस्तों देखें बहुत सारे लोग एक तीसरी और इंपॉर्टेंट सेटिंग है उसके बारे में नहीं जानते। आपने देखना है दोस्तों कि आपके चैनल के ये दो कम से कम पहले जो तीसरी फीचर एलिजिबिलिटी है उसमें दो ऑप्शंस जो है ये लाजमी तौर पर इनेबल होने चाहिए। पहला तो आपको यूट्यूब बेसिक फीचर्स है वो खुद ब खुद ही इनेबल होते हैं जब आप चैनल बनाते हैं। दूसरा फीचर क्या होता है दोस्तों कि आपने अपना फोन नंबर वेरीफाई करना होता है, आपने अपनी कंट्री और फोन नंबर वेरीफाई करना होता है। आपके मोबाइल के नंबर पे एक 6 डिजिट्स का कोड आएगा, आप उसको वेरीफाई करेंगे यूट्यूब पे तो फिर ये इनेबल होगा। जब तक आपका ये इनेबल नहीं होगा आप जो मर्जी कर ले आपका यूट्यूब चैनल कभी भी सर्च में नहीं आ सकता। ठीक है जी, तो आई होप सो आपको ये सेटिंग्स भी समझ आ गई होंगी। अब उसके बाद आपने आ जाना डिफॉल्ट अपलोड डिफॉल्ट्स में लेफ्ट साइड पे तीसरे नंबर पे जो सेटिंग है दोस्तों, इसमें भी थोड़ी सी सेटिंग आपने करनी है। आपने क्या करना है, टाइटल आपने नहीं छेड़ना क्योंकि ये हर दफा आपने अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग टाइटल लगाना होता है। ठीक है जी, डिस्क्रिप्शन में आपने कुछ कीवर्ड्स एंटर करने हैं। आपको वही कीवर्ड्स मैं बता देता हूं कि आप ये वाले कीवर्ड्स भी लाजमी तौर पर डिस्क्रिप्शन में लिखें और इसके अलावा और भी बहुत सारे कीवर्ड्स आप लिखें, जैसे आपके चैनल आपका है यूट्यूब की टिप्स और ट्रिक्स के हवाले से। अब आपने एक वीडियो अपलोड की हुई है हाउ टू इंक्रीज सब्सक्राइबर्स, ठीक है जी, तो अब कोई बंदा अगर आके सर्च करता है हाउ टू इंक्रीज सब्सक्राइबर्स तो आपकी वीडियो सर्च में कैसे आएगी अगर आपने वो कीवर्ड अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया होगा, यानी कि यहां पे आपने अगर लिखा होगा हाउ टू इंक्रीज सब्सक्राइबर्स ये देखें
आपने कॉमा लिख देना है लास्ट पे, और ये अगर आपने अपना कीवर्ड लिखा होगा तो कोई भी बंदा जब यूट्यूब पे सर्च करेगा हाउ टू इंक्रीज सब्सक्राइबर्स तो आपकी वीडियो भी नीचे प्लेलिस्ट में आ जाएगी कहीं ना कहीं पे, ठीक है जी। तो दोस्तों सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट यही तीन सेटिंग्स होती है, आपने ये लाजमी तौर पर कर लेनी अपने चैनल की। उसके बाद आप देखें यहां पर विजिबिलिटी है पब्लिक, उसके बाद टैग्स, वही सारे टैग्स यहां पे दोबारा आपने पेस्ट करने हैं जो हमने ऑलरेडी चैनल के टैग्स पेस्ट किए थे। अब ये कौन से टैग्स हैं, ये वीडियो के टैग्स हैं, ठीक है, ये भी आपने वही टैग सारे यहां पे पेस्ट कर देने और लास्ट पे आपने सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी, ये सारी हिडन सेटिंग्स हैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती। अब मैं आपको अपना चैनल दिखाता हूं, जो मैंने अपना कवर पिक्चर और फोटो लगाया था उसको मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूं कि अब मेरा चैनल कैसा दिख रहा है और पहले कैसा दिख रहा था। तो दोस्तों यहां पे मैंने उसको रिफ्रेश किया है, अभी मेरा चैनल ओपन हो जाता है। अब आप देखिएगा कि हमारा चैनल जो है वो कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। दोस्तों ये देखिए आपके सामने मेरा चैनल आ चुका है। अगर मैं पहले दिखाऊं तो पहले मेरा चैनल कुछ इस तरह से नजर आ रहा था, अब आप देखिए तो आपका चैनल कुछ इस तरह से नजर आएगा। देखिए मैंने सारी चीजें यहां पे मेंशन की हुई है कवर फोटो में, जवाब सफदर यूट्यूब ऑनलाइन ट्रेनर, सीखो और कमाओ, साथ में सब्सक्राइबर का बटन भी लगाया हुआ है, साथ में अपनी पिक्चर लगाई हुई है, नीचे लिखा हुआ है यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स प्लस ऑनलाइन अर्निंग वीडियोस, यानी कि जो भी बंदा जो भी व्यूअर आएगा उसको एक दफा देखने पे ही पता चल जाएगा कि आप इस चैनल पे किस तरह की वीडियोस अपलोड करते हैं। अगर उसके रिलेटेड कंटेंट होगा तो वो लाजमी तौर पर देखते ही सब्सक्राइब कर देगा। तो दोस्तों आई होप सो कि आपको वीडियो समझ आ गई होगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं जनाब तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।